बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जियोग्राफी क्लास 7 पीटीबी की बुक, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है और अब भी हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 डेन्यूडेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चैप्टर नंबर 2 डेन्यूडेशन, क्लास 7 पीटीबी इंग्लिश मीडियम बुक, तो इसकी जो पहली वीडियो है उसकी जानब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है डेन्यूडेशन और इसकी उर्दू है उरियाकारी, नंगा हो जाना, उरिया हो जाना। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये उरियाकारी क्या चीज़ है। डेन्यूडेशन एंड इट्स टाइप्स, उरियाकारी और इसकी किस्में। डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ अपर सरफेस एंड द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड एरियाज इज नोन एज डेन्यूडेशन। डिस्ट्रक्शन, तबाही ऑफ अर्थ अपर सरफेस, जमीन की ऊपरी सतह की, एंड द अपीयरेंस और जाहिर हो जाना ऑफ द सरफेस सतह का, ऑफ अंडरग्राउंड एरियाज जेरे ज़मीन जगहों का, इज नोन एज डेन्यूडेशन, इसको उरियाकारी कहते हैं। तो ज़मीन की ऊपरी सतह का तबाह होना और इसके नतीजे में जो ज़ेरे ज़मीन जगह हैं उनकी सतह का ज़ाहिर हो जाना, इस अमल को हम कहते हैं डेन्यूडेशन और उर्दू में कहते हैं उरियाकारी। एज सुन एज इंटरनल फोर्सेज ऑफ अर्थ एक्सपोज एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट, स्टार्ट टू लेवल द सरफेस बाय वॉर एंड टॉर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट द डेब्रिस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू न्यू वन। तो स्टूडेंट्स, गौर से सुने, ये जो डेन्यूडेशन है बेसिकली होती क्या है। एज सुन एज इंटरनल फोर्सेज ऑफ अर्थ, जैसे ही ज़मीन की अंदरूनी कुव्वतें एक्सपोज, नंगा कर देती हैं, खोल देती हैं एन एरिया, किसी इलाके को, ऑफ इट्स सरफेस अपनी सतह के, सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कुछ बाहर के अवामल, यानी कि अंदर की कुव्वतों से कैसे जगह खुल गई, ज़मीन के अंदर जो जलजला आता है या ज़मीन के अंदर जो लावा होता है उसकी वजह से क्रैक्स आते हैं तो ज़मीन की सतह खुल जाती है, तो उसके अंदर के जो फीचर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, इसी अमल को डेन्यूडेशन कहते हैं। तो अब हमें बता रहे हैं कि जैसे ही ज़मीन की अंदरूनी कुव्वतें सतह के किसी एरिए को खोल देती हैं, सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कुछ बाहर के अवामल, जिनमें जो जगह खुली है उसके बाहर दरिया हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, विंड हो सकती है, हवा, हीट हो सकती है सूरज की, हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट, या बर्फ़बारी हो सकती है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें दरिया हैं, ग्लेशियर हैं, हवा है, सूरज की रोशनी है या बर्फ़बारी है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, यानी कि बाहर के बैरूनी अवामल हैं, ज़मीन के अंदर के नहीं बल्कि ज़मीन के बाहर के। तो जैसे ही अंदरूनी कुव्वत की वजह से कोई जगह खुलती है तो उसके नतीजे में जो कुछ बाहर के अवामल होते हैं, जिनमें रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, हीट ऑफ सन या फ्रॉस्ट हो सकते हैं, स्टार्ट टू लेवल द सरफेस, तो वो सतह को लेवल करना शुरू कर देते हैं बाय वॉर्न एंड टॉर्न प्रोसेस, कांट छांट के अमल से, एंड ट्रांसपोर्ट द डेब्रिस, और जितना भी कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पे, कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको उसकी तरसील शुरू कर देते हैं फ्राम इट्स ओरिजिनल पोजिशन प्लेस, इसकी असल जगह से, टू न्यू वन, नई जगह की जानब। तो डियर स्टूडेंट्स, बात को समझना है आपने कि जैसे ही ज़मीनी कुव्वतों की वजह से ज़मीन के अंदर तोड़फोड़ का अमल होता है तो ज़मीन की ऊपरी सतह जो है वो ओपन हो जाती है, अंदर के एरियाज़ बाहर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये एक कुदरती अमल होता है जिसके नतीजे में ज़मीन के अंदर के एरियाज़ बाहर आ जाते हैं, तो बाहर के बेशुमार फैक्टर्स हैं और वो अमल करना शुरू कर देते हैं इस एरिए को और तोड़फोड़ करते हैं, कांट छांट करते हैं इस पूरे एरिए की, और नतीजे में जो कूड़ा क्रिकेट बनता है उसको, अगर दरिया है तो वो बहा के ले जाता है, अगर ग्लेशियर्स हैं तो वो भी इसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, हवा या सूरज की रोशनी है या बर्फ़बारी है, उसके नतीजे में भी ये जो टूटा फूटा जो मटीरियल है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ वॉर्न एंड टॉर्न ऑन द सरफेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेब्रिस इज़ नोन एज डेन्यूडेशन। तो ये अमल जिसमें ज़मीन की सतह पर कांट छांट का या तोड़फोड़ का अमल होता है, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेब्रिस, और फिर ये जो कूड़ा क्रिकेट या ये जो कचरा है
ये तरसील हो जाती है इसकी एक जगह से दूसरी जगह इज़ नोन एज डेन्यूडेशन। इस अमल को डेन्यूडेशन या उड़ियाकारी कहते हैं। द टर्म डेन्यूडेशन और डिस्ट्रक्शन इज़ यूज फॉर ऑल दोज फैक्टर्स विच टॉर्न द अर्थ सर्फेस। ये जो इस्तिलाह है, ये जो लफ्ज़ है डेन्यूडेशन या फिर डिस्ट्रक्शन, तबाही या उड़ियाकारी, ये इस्तेमाल होता है फॉर ऑल दोज फैक्टर्स, उन तमाम अवामल के लिए विच टॉर्न द अर्थ सर्फेस, जो ज़मीन की सतह को टॉर्न करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। वेस्ट द अर्थ मटीरियल, ज़मीन के जो मटीरियल को वेस्ट करते हैं, एंड ट्रांसफ़र इट टू सम अदर प्लेस, और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, तो ये सारे के सारे डेन्यूडेशन के अमल में शामिल होते हैं। द फॉलोइंग आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेन्यूडेशन, दर्जे ज़ैल तीन किस्में हैं डेन्यूडेशन या उड़ियाकारी की। दीज आर आल्सो नोन एज द मेथड्स ऑफ डेन्यूडेशन, इनको डेन्यूडेशन के तरीके या उड़ियाकारी के तरीके भी कहते हैं। इनमें पहले नंबर पर वैदरिंग, इसको अमले फरसूदगी कहते हैं। नंबर टू इरोजियन, इसको अमले कटाव कहते हैं। नंबर थ्री मैस वेस्टिंग, इसको तोदी ज़ियां, तोदे होते हैं ना तो वो टूटते हैं, तो टूट के तो उनका मटेरियल हाइट से नीचे की तरफ आता है, तो इसको मैस वेस्टिंग या तोदी ज़ियां यानी तोदे ज़ाया होना ये कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, डेन्यूडेशन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें जो पहला पॉइंट है वैदरिंग, इसको डिटेल के साथ देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स दें, और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा एक दूसरा इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी व नाफिज़ हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।